में जो डिग्री कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स सोपोर और बहुत सारी जो स्कूल और कॉलेज है उसके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये जो ड्रग रैली हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, इसमें पुलिस भी शाना बशाना रही और इंशाल्लाह आगे रहेगी भी। हम चाहते हैं कि ऐसी रैलीज हों, अवेयरनेस हो और जो ये ड्रग का है यहाँ पे सोपोर में खात्मा हो जाए, एक साथ और हमेशा के लिए। सर आपको क्या करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ड्रग्स में मुलव्वस हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं। ये देखा गया है कि सोपोर में 90% जो यूथ हैं वो ड्रग्स में मुलव्वस हैं और जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो 30% है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्पेशली बच्चों में, लड़कियों में, क्योंकि जब ड्रग्स एक घर में आता है तो ये जो बुजुर्ग है उसको नहीं देखता है, ये यूथ को ही इफेक्ट करता है। मुझे लगता है इसकी आज अशद ज़रूरत है। अशद ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब ये एक मसला नहीं रह गया, एक का मसला नहीं रह गया, एक घर का मसला नहीं रह गया, एक लड़कों का मसला नहीं रह गया या मर्दों का मसला नहीं रह गया। आज ड्रग्स ने हमारे घर घर को, गली गली को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर टाउन को, हर एक इंसान को जो है जाति से लेकर सोसाइटल लेवल पे पूरा ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया है। और ना ही इसमें सिर्फ आप लड़के शामिल हो रहे हैं, आप देखिए देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ वुमेन, देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु आर इन्वॉल्वड इन इट। ईदर दे आर टेकिंग ड्रग्स डायरेक्टली और दे आर बिकमिंग ड्रग पेडलर्स। और फिर जब हमारे जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, फिर वहाँ भी एक जो फिर आई वुड से वुमेन आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट, दे आर बीइंग देन यूज्ड एज अ शील्ड। फिर एंडी जिनके पास फिर एक्स लगते हैं या बाकी चीज़ें होती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वहाँ भी लॉज में ऐसा कुछ आप सोचिए जेंडर बैलेंस है नहीं, जहाँ पर फिर इक्वल पनिशमेंट्स हो। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा मुआशरा जा कहाँ रहा है।